बेटा रोते नहीं है। गंदी बात, मुझे बताएगा रो क्यों रहा है तू? और चिंगारी दी दोगे ना, बच्चे हंसते हुए अच्छे लगते हैं, रोते हुए नहीं। चुप हो जा बेटा, बता क्या बात है, क्यों रो रहा है तू? आज मेरा बंटवारा होने वाला है। तुम्हारा बंटवारा? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। दीदी आज मेरे मम्मी पापा तलाक लेने जा रहे हैं, आज फैसला होगा कि मैं किसके साथ रहूं। बेटा तुम मम्मी के साथ रहना चाहते हो कि पापा के साथ? दीदी मुझे अपनी मम्मी का आंचल भी चाहिए और पापा का मजबूत कंधा भी चाहिए। अरे वाह बेटा वाह, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बात, जिंदारी का दिल जीत लिया बेटा, दिल जीत लिया। दीदी आपने कितने परिवारों को बचाया, मेरा बचपन बचा लो दीदी। चुप हो जा बेटा, नाम क्या है तेरा? दीदी मेरा नाम संगम है, मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम संगम रखा था और वो अलग अलग रहने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे मम्मी और पापा का दोनों का प्यार चाहिए। बेटा तेरे मम्मी पापा का नाम क्या है? दीदी मेरे पापा का नाम आकाश है और मेरी मम्मी का नाम सीमा। अच्छा बेटा तुझे अपनी मम्मी या पापा का नंबर याद है? हाँ दीदी। नंबर बता मुझे। 8826404। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ, तुम्हारा बेटा संगम। मेरा बेटा संगम? क्या क्या हुआ मेरे बेटे संगम को, बताइए ना, चुप क्यों हो? बेटा अपने पापा का नंबर बता। 997123। हेलो आकाश बोल रहे हो? हाँ जी बोल रहा हूँ, आप कौन? करंट लोकेशन भेज रही हूँ, आ जाओ। देख बेटा अब कैसे ये दोनों भागे भागे आएंगे यहाँ पर, अब चिंता मत कर तू। आप कुछ भी कर लो, मम्मी पापा तलाक लेके रहेंगे। बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर जो चाहती है ना वही होता है, और जो नहीं चाहती वो नहीं होता। ये कोर्ट कचहरी के बारे में उतना नहीं जानती, लेकिन चिंगारी की अदालत में जज भी चिंगारी होती है, वकील भी चिंगारी होती है, और फैसला भी चिंगारी का ही चलता है, समझा? तू आने दे बस उनको, देख फिर। संगम संगम कहाँ है मेरा बच्चा, बताओ। शांति से बैठ वहां पहले। आपने फोन किया था ना, कहाँ है मेरा बच्चा? मैंने ही फोन किया था, सुना है तुम दोनों के बच्चे का बंटवारा कोर्ट करेगी है? पहले ये तो बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? सब बताऊंगी, बैठ वहां पे। एक बात बताओ, लड़ाइयां किस हस्बैंड वाइफ में नहीं होती, और सजा वो बच्चा भुगते? शादी करने से पहले तो तुम लोग कोर्ट से पूछने गए थे क्या कि हम शादी करें और बच्चा पैदा करें कि नहीं करें, बताओ? अरे उसके बच्चे के भविष्य के बारे में कभी सोचा तुम दोनों ने अपनी लड़ाई के चक्कर में कि बच्चा कल को किसके साथ रहेगा? कोर्ट फैसला कर देगा कि बच्चा माँ के साथ रहेगा और बाप के साथ रहेगा। अरे कल को जब माँ के साथ रहेगा तो क्या बच्चे को बाप का प्यार नहीं चाहिए क्या, और कल को बाप के साथ रहेगा तो उसको माँ का प्यार नहीं चाहिए, बोलो? अरे जब तुम दोनों ने उसको पैदा किया है तो उसकी परवरिश भी तुम दोनों साथ में मिलकर करो, उसके फ्यूचर के बारे में सोचो। अरे वो भी एक दिल रखता है कि भाई उसको माँ बाप का दोनों का साथ में प्यार चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए। तुम दोनों के जब बच्चे थे तो क्या तुम दोनों के माँ बाप ने तुम्हें अलग कर दिया था क्या? माँ बाप का प्यार तुम दोनों को मिला होगा ना, मिला था ना, तो वैसे भी इस बच्चे को भी माँ बाप का प्यार साथ में चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए। कि आजकल के मॉडर्न जमाने के चोचलेबाजी में ना कि तलाक लेने के छोटी छोटी बातों पर ये सब चीजें बंद कर दो, इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। एक तलाक लोगे, दो तलाक लोगे, तीन तलाक लोगे, पांच तलाक ही तलाक लेते जिंदगी तुम लोगों के तलाक में खत्म हो जाएगी, सुख चैन खुशियां कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अच्छी बात यह है कि एक दूसरे का साठ गांठ बना के एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके एक साथ में रहो और बच्चे की परवरिश अच्छे से करो। आई बात समझ में? तुम दोनों अपने बच्चे के बारे में पूछ रहे थे ना, मर गया वो। ये क्या बोल रहे हो दीदी, बोल तो झूठ है ये। नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज बताओ ना। यही बताने के लिए तो मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया। नहीं दीदी लगा ना, बुरा लगा ना, दोनों को लगा ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ माँ को लगा है और बाप को नहीं लगा है, माँ बाप दोनों को साथ में लगा है। तुम दोनों सोचो, बच्चे के माँ बाप को बंटवारा करना चाहते हो, सोचो उसके दिल के ऊपर क्या गुजरेगी।
जब अपने माँ बाप को जिंदा ही अलग देखेगा, अलग पाएगा, तो मैंने एक छोटी सी झूठ बोली और दोनों को बुरा लगा। वो तो अभी जिंदा है, समझे? सोचो उसके बारे में। बेटा संगम आओ इधर। संगम बेटा इधर आ। ठीक है ना बेटा? तू ठीक है ना? हम तलाक नहीं लेंगे। नहीं दीदी, हम सच में तलाक नहीं लेंगे। हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। जा, मम्मी की गोद में जा। अच्छा बेटे। दीदी आपने मेरी आंख खोल दी। हम जो करने जा रहे थे ना, वो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ था। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दो दीदी। साथ में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो इस संगम के साथ, और आज के बाद अपने जहन में तलाक नाम का एक शब्द भी लेके मत आना दोनों, ठीक है? हम सोच भी नहीं सकते। चल बेटा। हाँ बेटा, वो दिन आ जाए।